श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार। दुबई में हो रही है मौत की जांच पड़ताल। मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, कहा श्रीदेवी शराब नहीं पीती थी तो शरीर के अंदर कैसे पहुंचा अल्कोहल। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। नागालैंड में 1 बजे तक 56% वोटिंग तो मेघालय में 27% मतदान। 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे नतीजे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता की गाड़ी से कुचलकर 9 बच्चों की मौत को लेकर विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का हंगामा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार पर किए वार तो सीएम नीतीश ने किया होली न मनाने का फैसला। आरोपी बीजेपी नेता मनोज बैठा अभी भी फरार। गोरखपुर में 11 मार्च को होने वाले संसदीय उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीपीगंज में करेंगे जनसभा को संबोधित। तीन दिनों की यात्रा पर आज भारत आएंगे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। दोनों देश व्यापार निवेश को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने से जुड़े समझौतों पर कर सकते हैं हस्ताक्षर।